देशवासी, आज पूरा विश्व
बहुत ही बड़े संकट की घड़ी से जूझ रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी जिसने पूरे देश में अपने पांव पसार लिए, पूरे विश्व की 6 अरब जनता इस महामारी से भयभीत हो रही है। हम निश्चिंत थे, परंतु भारत में धीरे धीरे ये बीमारी अपना पैर फैलाती जा रही है। आमतौर पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो कुछ राज्यों या कुछ देशों में सिमट कर रह जाती है, परंतु इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में फंसा लिया है। विश्व की पूरी मानव जाति को उसने अपने संकट में डाल दिया है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब इतने देश प्रभावित नहीं हुए थे जितने कि इस कोरोना महामारी में प्रभावित हो रहे हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में समाचार सुन सुनकर हम सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में प्यारे देशवासियों, मेरी 135 करोड़ जनता, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परसों 22 मार्च को हम जनता कर्फ्यू का आगाज करने जा रहे हैं। ये जनता कर्फ्यू एक माध्यम होगा कोरोना को फैलने में से रोकने के लिए। इसका रोकने का जो उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको अपने आप को संयमित रखते हुए अपने को घर के अंदर बंद करना है और पूरी सावधानी बरतनी है। मैं जब जब आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आपने मुझे निराश नहीं किया, तो इस संकट की घड़ी में मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, आपका कुछ समय मांग रहा हूँ, कुछ हफ्ते मांग रहा हूँ। ये समय मुझे चाहिए इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, और 22 तारीख को आपको अपने आप को संयमित करके सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक अपने आप को घर के अंदर रखना है, और शाम को 5 बजे ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटा बजाकर जो कोरोना योद्धा है आपको अपने घरों में, छत पर या बालकनी में आकर उनका सम्मान करना है। उनका जो योगदान है उसको, उसकी तारीफ करनी है। बस इतना ही मैं आपसे मांगता हूँ। आगे आपको समय समय पर इसके संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तब तक सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और संयम बरतें। यही मेरी इस देश की 135 करोड़ जनता से उनके प्रधान से निवेदन है। जय हिंद। भीलवाड़ा की स्थिति से तो हम सब चाहते ही, हम सबसे तो भीलवाड़ा की स्थिति को देखते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में। कल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ये मैं कुछ मैसेज सेंड कर रही हूँ, आप इस मैसेज को, सारे मैसेज को सेंड करवा दीजिए और दिन के 2 बजे अर्जेंट मीटिंग बुलाइए। ओके सर। मांगड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा के डॉक्टर आलोक मित्तल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो डॉक्टर साहब मैं विशेष आपसे निवेदन करता हूँ कि बांगर हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दीजिए, और 15 दिन पूर्व की जो भी इस हॉस्पिटल में जांच कराने चाहे ऑपरेशन कराने जो आए हैं, उन सब को पूरे जिले के अंदर लिस्ट के अनुसार होम आइसोलेशन करा दिए। उसके पश्चात पूरे जिले में किसी भी तरह की दवाई और जांच संबंधी जो भी आवश्यकताएं हो उनको सबको आप व्यवस्थित मंगवा कर रखिए कि
किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने जिले को कोरोना पॉजिटिव से बचाना। एसपी साहब, आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दीजिए, साथ ही यदि पुलिस फोर्स की कमी है तो आप अन्य जिले से पुलिस फोर्स मंगवा सकते हैं। सबको घर में रहने के लिए बाधित करिए, और यदि नहीं समझे घर से बाहर निकले तो आप बल प्रयोग के ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करवाइए। एसपी साहब, आपका रोल अहम होना चाहिए। यूआईटी चेयरमैन साहब, कोरोना पॉजिटिव और लॉकडाउन, ऐसे में मजदूर वर्ग को खाने पीने की समस्या हो सकती है, तो आप यूआईटी के थ्रू जितने भी खाद्य सामग्री चाहिए, राशन सामग्री निःशुल्क वितरित करवा दीजिए, जितने चाहिए ट्रक लगवा दीजिए, लेकिन निःशुल्क सामग्री पहुंचनी चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके साथ एक व्यवस्था आपको और देता हूँ कि फल, सब्जी, दूध और दवा हर घर में पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करिए। नगर परिषद से अभिनंदन, आपसे आशा करता हूँ कि सफाई की माकूल व्यवस्था हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, गंदगी सारी सफाई की जाए, और सबको घर घर के बाहर आप सैनिटाइज करवा दीजिए ताकि कोरोना से आसानी से निपट सके। एनजीओ आपकी इस भीलवाड़ा जिले में अहम भूमिका रहती है, सदैव कोई भी कार्यक्रम हो आप लोग तत्पर रहते हैं। इस संकट की घड़ी के अंदर मैं आपको कुछ पास जारी करवाता हूँ कि आप खाने के पैकेट बनवाकर बस्तियों में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें आप निरंतर पहुँचाते रहिए और देखते रहिए सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है या नहीं है। मैं इस जिलाधीश कार्यालय से आज उद्घोषणा करता हूँ कि मैं जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट मेरे निजी मोबाइल नंबर पूरी जनता में सेंड करवा दीजिए कि किसी को भी दिन हो चाहे रात, किसी भी तरह की तकलीफ हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप फोन करिए, लेकिन घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी भी वक्त आप फोन करेंगे मैं आपका फोन अटेंड करूंगा और आपकी समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका बाहर एक कदम खतरनाक हो सकता है। आपकी सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं। हाँ सर, मैं जानी महिला शाखा राजस्थान से आए हैं, शासन शाखा राजस्थान से आए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं ऊपर जी बसु, मैं गीता बाबू माँ मांगती हूँ। हम आपके लिए सर आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन में निवेदन है हमारे शासन शाखा के लिए जो गोष्ठी आपके कहा जाते हैं उनके लिए हमें कुछ रियायत देने की मैं भी जैन धर्म को बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन बहनों आप पधारी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोरोना आप देखिए कि कितना फैल रहा है। हमारे साधु भगवान अमूल्य धरोहर है, ये कोरोना से कहीं ग्रसित ना हो जाए, इसीलिए आप इनके भोजन पानी की व्यवस्था इनके स्थान को मैं कर दूँगी। फिर ऐसा करता हूँ कि आपको कुछ पास जारी करवाता हूँ, आप स्वयं जाकर और उनको पास दीजिए, और साथ में दोनों टाइम गोष्ठी पाने के समय में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाइए। और यही मंगल मनीषा करती हूँ कि हमारे देश साधु भगवान सब सुरक्षित रहें और कोरोना छुए सकते। ऐसी सोशल संस्थाओं से ही सारे कार्यक्रम चलते हैं। Thank you, sir.
जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय अध्यक्षा पुष्पा जी गोखरू, महामंत्री नीताजी बाबे व सभी पदाधिकारीगण अपनी जान जोखिम में डालकर गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री व मास्क वितरित किए गए। और इसी घड़ी में एक फोन और कलेक्टर साहब के पास आता है। सर, मैं बॉम्बे से निधि स्माइल फाउंडेशन से बोल रही हूँ। आपके भिंडवाड़ा में कोरोना काल में आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था को देखकर हमारा भी मन सीएम कोष में कुछ राशि देने के लिए हो रहा है। कृपया अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पर सेंड करें। जी, मेरे अकाउंट नंबर और मेरा जो पीए है वो आपको सेंड कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। जीवन शैली हट कर बेटा इस वायरस को ना रोक पाए। आंकड़ा बढ़ता गया, मानव जाति की होती रही तबाही और मानव निसहाय नजर आया, तभी हमारी पुलिस फोर्स कहा जा रहा है। Not sure.